दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं इसका नाम है सेंट्रल बैटरी सिस्टम, CBS। ओके, ये CBS गल्फ कंट्रीज़ के सभी बिल्डिंगों में लगाई जाती हैं। इस पैनल का काम ये है कि आपको एग्ज़िट लाइट और इमरजेंसी लाइट के लिए पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये ऑपरेशन इसका ऐसा है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसके सीक्वेंस को, कि जब तक पावर रहेगा, पावर से वो लाइटें ऑन रहेंगी, एग्ज़िट लाइट और इमरजेंसी लाइट। जब पावर चली जाएगी तो 60% और 70% की लुमिनर पे, मतलब रोशनी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ब्राइटनेस, और उसके बाद ये पैनल बैकअप देगा ऑटोमेटिकली। ऐसा एक प्रोग्राम है। तो मैं इसके अंदर का जो सिस्टम है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर आ गए। ये जो मॉड्यूल है ये मेन मॉड्यूल है। ये अब ये काम कैसे करता है, ये चार्जिंग मॉड्यूल है, ये चार्जिंग मॉड्यूल है, और इसमें ये बस लिंक है 1, 2 और 3, मतलब आर फेस का, वाई फेस का एंड बी फेस का, तीन। देखिए, तीन लाइन है, अलग अलग तीन लाइन है, ठीक है। आर फेस भी यूज़ हो रहा है, वाई फेस भी यूज़ हो रहा है, बी स्पेयर है, बी में कोई भी चीज़ नहीं है, लोड नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आर वाई बी तीनों फेस का सप्लाई मेन आया हुआ है, जो कि ये अलग अलग बस लिंक में सप्लाई देता है आर वाई बी। ये जो नीचे दिया हुआ है ये बैटरी का है, बैटरी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो सप्लाई है वो यहाँ से दी जाती है। ये आप देख रहे हैं इसके जो नीचे, इसके अंदर में बैटरी है। अभी मैं ओपन करके आपको शो कर रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर में बैटरी है और यही मॉड्यूल इस बैटरी को चार्ज करता है। चार्ज हमेशा होता रहता है, इनके सब पावर फेलियर उस टाइम में यह ऑटोमेटिकली बैकअप देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मॉड्यूल है, हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक C1 लिखा हुआ है, ये C2 है, मतलब एक सर्किट दो सर्किट। यहाँ पर फिर से C3 एंड C4, मतलब एक सर्किट दो सर्किट, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें एक ही सर्किट है, स्पेयर है। इसमें टोटल चार हैं, दो इसमें से यूज़ हो रहा है और दो स्पेयर है, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जांपल, हमें इसके बारे में जानना है कि इसके जितने भी लाइट्स हैं क्या सभी चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बटन को प्रेस करूँगा, आप यहाँ पे डिस्प्ले में देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर ओके, सब ओके। इसमें अगर किसी में इशू है तो उसमें एक क्रॉस का निशान आएगा। ये भी दो सर्किट हैं दोनों ओके। अब इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। ओके, ये ठीक है। इसमें एक में इशू है, देखिए इसमें से एक में, ये जो है ना, टोटल कितने हैं, 6 लाइट हैं। जो सेकेंड लाइट है इसमें इशू है, ये सर्किट में, यानी C4 का सेकेंड लाइट में इशू है, ठीक है। अब उसके बाद में इसका आते हैं C5 एंड C6, मतलब सर्किट नंबर 5 एंड 6। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, एक मिनट। ओके, ये ओके, सेकेंड भी ओके। तो इसमें कोई इशू नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल ऑपरेशन लिखा हुआ वहाँ पर। तो ये चीज़ है, ओके। उसके बाद में ये जब टेस्ट मोड है, देखिए यहाँ पर एक टेस्ट मोड है, ये टेस्ट, टेस्ट में जब आप डालेंगे तो ये फंक्शनली टेस्ट करेगा, ये हर एक चीज़ को, चार्जिंग और बैकअप और ड्यूरेशन सब कुछ। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल है, ये FT है, मतलब फंक्शन टेस्ट। आप यहाँ पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होगा, कई बार ऑफ होगा, ऑन होगा, ऐसे करके पूरे सिस्टम को एक बार नॉर्मल तरीके से समझिए आप, रिसेट कर देगा ये। यहाँ पर ये जो DT लिखा हुआ, ड्यूरेशन टेस्ट, यहाँ पे आप करेंगे तो इसका जो ऑटोमेटिकली इन साइड की जो सप्लाई है ना, वो कट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, मतलब सिस्टम से ओनली। और उसके बाद इसका ड्यूरेशन जो है ना, वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी बैटरी मोड पे आ जाएगा, और तब हमें मालूम चलेगा कितने घंटे तक ये चलेगी, ठीक है। बाकी ये जो है 2-3 बटन, ये सब प्रोग्राम के लिए हैं। यहाँ से भी आप कुछ डिटेल देख सकते हैं, अप डाउन कर करके, स्केप करके बाहर आने के लिए, अगर कुछ सेलेक्ट करके प्रोग्राम करना है तो ओके कर सकते हैं। बाकी ये जो है, ये पैनल का नाम है।
तो इस तरीके से ये ऑपरेट करता है। अब यहाँ पर देखिए, ये RYB का मेन इनकमर है, ये बैटरी का है। इन केस मैं इसको निकाल देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये बैकअप मोड पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको ऑफ़ कर रहा हूँ, देखिए अब ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है बैकअप में। अब ये बैकअप में आ गया। यहाँ पर आपको दिखेगा मेन फेलियर और बैटरी ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब मैं जैसे ही इसको फिर से वापस कनेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये वापस से नॉर्मल मोड पे आ जाएगा, और जो भी लाइटें ऑन ऑफ हुई वो नॉर्मल अभी रॉ पावर पे चलना स्टार्ट हो जाएंगी, और बैटरी मोड ऑटोमेटिकली हट जाएगा और यहाँ पे मेन नॉर्मल दिखेगा, ऑपरेशन नॉर्मल। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और ये जो लगी हुई है ये डाली का है, एक्चुअली ये डाली एक जैसे मोशन सेंसर से वर्क करता है, स्विच से काम करता है, वहाँ का प्रोग्राम यहाँ पे किया हुआ है कि क्योंकि कुछ इमरजेंसी लाइट भी यहाँ से चल रही हैं तो अगर वहाँ पे कोई मोमेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए उसके लिए। और इसके साथ में एक और चीज़ आती है, वो LCP आती है, लाइटिंग कंट्रोल पैनल, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यही था, ये सभी के ये जितने भी सर्किट हैं इसके आउट गोइंग यहाँ से ऐसे जा रही हैं सर्किट से 1 2 3 4 करके। ये फायर का है, ये इनकेस फायर हो जाएगा तो उस टाइम में ऑटोमेटिकली रॉ पावर जो है इंटरनली कट हो जाएगा और बैटरी के बैकअप मोड पे ये आ जाएगी। ये CR से कनेक्ट हुआ है फायर का। तो इस तरीके से ये इसका पूरा फुल्ली फंक्शन है। इसमें फ्यूज़ रहता है, RYB एंड न्यूट्रल में फ्यूज़ है, इसमें भी फ्यूज़ है। यहाँ से जैसे हम खींच रहे हैं तो साथ में फ्यूज़ के साथ में वो रिमूव हो रहा है। तो ऐसे ही है, ये बैटरी का है। इनकेस मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो बैटरी डिसकनेक्ट हो जाएगा, चार्जिंग होना बंद हो जाएगा, फिर भी लाइटें ऑन रहेंगी क्योंकि रॉ पावर से ये हमेशा काम करता है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बैटरी है, इसमें ये पूरी बैटरी सीरीज में करके 240 वोल्टेज करा हुआ है, 120 120 के दो सेट बना के 240 वोल्टेज करके DC, और उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सिस्टम में इसके थ्रू। और ये चार्ज करता है ये सिस्टम, और चार्ज भी करता है, और पावर जब फेल होगा तो ये बैकअप भी देगा। तो यही था इसका सिस्टम, और यही है इसका ऑपरेशन सीक्वेंस। और इसका जो पूरे पैनल का जो डिज़ाइन है इसको आप देख लीजिए, हर जगह बेसिकली इसी टाइप का होता है। और इसका इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बात आती है कि CBS क्या है, तो CBS यही है, सेंट्रल बैटरी सिस्टम। इसका काम क्या है, इमरजेंसी लाइट को और एग्जिट लाइट को सप्लाई प्रोवाइड करता है, और फायर में और पावर फेल में यही बैकअप देता है। तो यही था ये सिस्टम, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।